फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे ये पार्शियल फ्रैक्शन के केस हैं, जिसमें ये वाला केस आपको जो है सबसे परेशान करता है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो एक्स 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 देखा जाए तो तीनों का जब आप प्रोड करेंगे तो ऊपर क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी और नीचे भी क्यूबिक इक्वेशन है, और जब दोनों की पावर सेम हो गई तो आपको नेचुरली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखा जाए सेम केस ये भी वही है, ऊपर लीनियर नीचे लीनियर, ऊपर क्वाड्रेटिक ऊपर क्वाड्रेटिक, लेकिन वही बात है कि ये आसानी से हो जाएगा, ये थोड़ा सा परेशान करेगा, ये ज़्यादा परेशान करेगा अगर आपको सही तरीका नहीं पता है तो आज हम वही डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व इन मिनिमम टाइम ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इंटीग्रेशन में आरडी शर्मा एक बुक है जिसमें इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस समय बच्चे पार्शियली ब्रेक नहीं कर पाते, मेन प्रॉब्लम होती है वो पार्शियल फ्रैक्शन की, एक्चुअली में इंटीग्रेशन टफ होती ही नहीं है, ये हम लोग एलजेब्रा के और ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते जो आगे चल के हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पर है, अब देखिए इसको समझने के लिए आप समझिए कि ऊपर लीनियर नीचे लीनियर है, मैंने आपको जैसा कि डिस्क्राइब किया हुआ है कि पावर ऊपर के हमेशा कम होनी चाहिए, तो आप इसमें डिवाइड कर दीजिए या जो भी करना हो आपको, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं एक्स माइनस टू प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू, देखिए थ्री माइनस सॉरी एक्स माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन करेंगे तो आपका वही रिजल्ट आएगा। अब इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जब इसका डिवाइड इसके नीचे करेंगे तो वन आ जाएगा, तो इसको तो आपने अलग अलग कर दिया, तो ये आसानी से हो गया। तो मैंने कहा ही था कि ये आसानी से, ये थोड़ा और उसमें टाइम लगेगा। इसमें क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, अब आप क्या करेंगे डिवाइड, तो देखिए यही जनरलाइजेशन कंसेप्ट है। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, ये अगर आ जाएगा तो आपको ऑलरेडी ये आ जाएगा, जब आप डिवाइड करते हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ये टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जब एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व का डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू में, बहुत ध्यान समझना है आपको, तो वन टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, और आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा फोर एक्स, टू माइनस ट्वेल्व माइनस टेन, और यहीं रोक देंगे क्योंकि पावर अप कम हो गई। अब इसको आप कैसे लिखते हैं, वन होल जा फोर एक्स, होल जा मतलब प्लस होता है, फोर एक्स माइनस टेन, हिंदी में कहते हैं एक सही ये बटा ये, एक सही फोर एक्स माइनस टेन बटा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, तो ये वन प्लस फोर एक्स माइनस टेन अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। देखिए हम समझाना क्या चाहते हैं, मेरी बात को जरा समझिएगा बहुत ध्यान से, ये आपका टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का। अब एक बात तो आपको समझ में आ रही है, अभी उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं आपका, कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, अच्छा इसके बाद का स्टेप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके बाद का वन प्लस, अब ये a अपॉन x माइनस थ्री प्लस, भाई आप अगर आप चाहें तो इसके बाद का स्टेप अगर पूछे कोई तो क्या कहेंगे आप, इसके बाद का स्टेप आप ऐसे लिखेंगे इसको वन प्लस, इसको पार्शियली ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, a अपॉन x माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस फोर, तो कुल मिला के देखा जाए तो आप इसी को तो सॉल्व करते करते ये लाए, मतलब ये जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल है कि नहीं, यानी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, इसकी जो वैल्यू वो क्या है, वन प्लस ए अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस फोर। वन प्लस ही क्यों आया, क्योंकि ऊपर भी जब आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको देखिए पहला टर्म तो ऑलरेडी क्लियर हो जाता है कि एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यही तो समझ में आ रहा है कि वन टाइम तो आपको जाना ही जाना डिवाइड करना है, यानी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को काटने के लिए आपको वन टाइम जाएंगे, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर। इसी रूल को फॉलो करते हुए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए बहुत ध्यान से रखिएगा, उसको आप नोट करके रखिए, सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा आपसे वन अपॉन कह रहा हूँ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री,
देखिए वही है कॉन्सेप्ट, अगर फोकस नहीं करेंगे तो, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड जाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्या है क्यूब है, और फिर क्यूब क्यूब है फिर डिवाइड करेंगे, फिर बहुत लंबा प्रोसेस होगा, हो सकता है आप उसको कर ही ना पाए, कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान दें तो यहाँ पर एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब हो रहा है, यहाँ भी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब। जब आप प्रोडक्ट कराएंगे तो थोड़ा दूरदृष्टि दौड़ाइए, इनका प्रोडक्ट कराएंगे तो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल होगी, इस क्यूबिक पॉलीनोमियल में पहला टर्म एक्स क्यूब होगा, ऊपर भी पहला टर्म एक्स क्यूब होगा, तो एक्स क्यूब को ही तो काटना है देखा जाए तो। भाई आपको ऊपर एक्स क्यूब टर्म नहीं चाहिए ना भाई, नीचे क्यूबिक है तो ऊपर क्यूबिक ना हो, क्वाड्रेटिक चलेगी, लीनियर चलेगी, तो आप वन टाइम ही तो डिवाइड करेंगे। तो वही होता है वन होल जा, वन होल जा, ऊपर अब क्या बचेगा, वन होल जा जो भी डिवाइड करने पाएगा, क्वाड्रेटिक अपॉन ये एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स। ये बात तभी समझ में आएगी जब आपको जो दूसरा मैंने केस समझाया वो आपको समझ में आ जाए। तो अब ऊपर क्वालिटी तो उससे मतलब ही नहीं है, आप इसको ऐसे लिखेंगे वन होल जा ए अपॉन एक्स माइनस फोर बी अपॉन एक्स माइनस फाइव सी अपॉन एक्स माइनस सिक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स। तो ये बड़ा आसान हो गया, अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, वन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, और यहाँ पर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये तो कट जाएगा ना एलसीएम में। अब यहाँ पर जितने भी ब्रैकेट्स हैं सबको एक बार पुट करेंगे जीरो, तो पुट करेंगे एक बार एक्स माइनस फोर को जीरो, तो एक्स इक्वल टू फोर आएगा। जैसे ही आप फोर रखेंगे तो यहाँ फोर माइनस वन थ्री, फोर माइनस टू टू, फोर माइनस थ्री वन इक्वल टू, यहाँ पर फोर रखेंगे जीरो हो जाएगा, यहाँ फोर रखेंगे जीरो हो जाएगा, यहाँ फोर रखेंगे जीरो आ जाएगा, केवल यहाँ पर मिलेगा ए फोर माइनस फाइव फोर माइनस सिक्स। तो आपका रिजल्ट आएगा थ्री टू जस्ट सिक्स इक्वल टू ए माइनस वन, फोर माइनस फाइव माइनस वन, और फोर माइनस सिक्स माइनस टू, तो ये हो जाएगा आपका सिक्स इक्वल टू टू ए, देन ए इक्वल टू थ्री। एक्स इक्वल टू फोर रखा तो फोर माइनस वन थ्री आया, फोर माइनस टू टू आया, फोर माइनस थ्री वन आया, फोर माइनस फोर जीरो हो गया, फोर माइनस फोर जीरो हो गया, फोर माइनस फोर जीरो हो गया, फोर माइनस फाइव माइनस वन, फोर माइनस सिक्स माइनस टू, ए की वैल्यू थ्री आ गई। अब ए की वैल्यू थ्री हम यहाँ लिख ले रहे हैं, उसके बाद अब बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रफ कर रहे हैं। बी निकालने के लिए आप यहाँ पर पुट करेंगे एक बार एक्स माइनस फाइव को जीरो, तो एक्स इक्वल टू फाइव आएगा। जब आप यहाँ फाइव रखेंगे तो फाइव माइनस वन फोर, फाइव माइनस टू थ्री, फाइव माइनस थ्री टू, फाइव माइनस फाइव जीरो, फाइव माइनस फाइव जीरो, यहाँ फाइव माइनस फाइव जीरो, के लिए ये बचेगा बी वाला, फाइव माइनस फोर वन, फाइव माइनस सिक्स माइनस वन, फाइव माइनस फोर वन, फाइव माइनस सिक्स माइनस वन, यहाँ से चार तेरह बारह दूनी चौबीस, ये आ गया माइनस बी, करेक्ट। तो बी के लिए माइनस चौबीस आ गई, यहाँ पर लिख लीजिए बी के लिए माइनस चौबीस। इसके बाद आप एक बार करेंगे पुट एक्स माइनस सिक्स को जीरो, तो एक्स इक्वल टू सिक्स आ जाएगा। जब आप सिक्स रखेंगे तो यहाँ पर सिक्स माइनस वन फाइव, सिक्स माइनस टू फोर, सिक्स माइनस थ्री थ्री, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा। बचेगा सी सिक्स माइनस फोर टू, सिक्स माइनस फाइव वन, करेक्ट, सिक्स माइनस फोर टू, सिक्स माइनस फाइव वन, पाँच चौको बीस तेईस साठ, सिक्सटी इक्वल टू टू सी, सी इक्वल टू तीस, यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी थर्टी, ठीक है। फिर इस ए बी सी की वैल्यू को आप इसके प्लेस में रख दीजिए, तो वन ए की वैल्यू हो जाएगी थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर, यहाँ बी की जगह रख देंगे ट्वेंटी फोर अपॉन एक्स माइनस फाइव, थर्टी अपॉन एक्स माइनस सिक्स,
ठीक है, ये पूरे इसकी वैल्यू आ गई। मान लीजिए अब इसको इंटीग्रेट करना होता तो अब आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, वन का एक्स हो जाएगा थ्री बाहर, वन अपॉन एक्स माइनस फोर का लॉग मॉड एक्स माइनस फोर, माइनस ट्वेंटी फोर लॉग मॉड एक्स माइनस फाइव, ऐसे थर्टी बाहर लॉग एक्स माइनस सिक्स। ये तो इंटीग्रेशन इसका यूज है, लेकिन ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया पार्शियल फ्रैक्शन है वो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने ये चैप्टर को पढ़ाया इसके आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ये मैंने एक स्पेशल प्रॉब्लम थी मैंने डिस्कस की, मैंने बीच बीच में आपको ट्रिक्स और टिप्स भी बताई हैं, आप पूरा जब वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। आप किसी भी वीडियो को पूरा देखें, देखिए ये आपका कोई वो नहीं है कि कोई इस एक तरीके से स्टडी चैनल है आपका, और नो डाउट ये आपको एक मिनट या दो मिनट की वीडियो से आपको नहीं जज कर सकते किसी को कि आगे का वीडियो आगे का मैटर कैसा है। आजकल मैं देखता हूँ ट्रिक और टिप्स के वीडियो बहुत सक्सेस होते हैं, लेकिन वो ट्रिक एंड टिप्स के वीडियो थोड़ी दिन के लिए होते हैं, आप उन वीडियो से आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में नहीं आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझें, और इस चैनल को फिर से मैं कहूँगा सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको प्रमोट करिए। मैंने बताया ना कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं प्रयास करूँगा जल्दी ही लाइव आने का, और अभी तो क्लास ट्वेल्थ की इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है, और आगे अब इलेवेंथ की भी बहुत जल्दी आने वाली सीरीज। लाइन एंड सर्कल ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, लाइन एंड सर्कल, ओनली सर्कल, उसके बाद भी उसमें बहुत सारे अभी वीडियो बनाने हैं मुझे। और आप कमेंट जरूर किया करें अगर कोई अगर समस्या आ रही है या किसी टॉपिक पर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं उसको ज़रूर आपकी परेशानी को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।